चला ली अपनी मर्जी तुमने। हाँ कर ली मैंने अपनी मर्जी। जब तुम्हें इस नौमान से ही शादी करनी थी तो अम्मी के पसंद किए हुए रिश्ते पे हामी क्यों भरी थी? क्योंकि वो नहीं मानती। ठीक है रहो इसी जहन्नुम में, लेकिन जेवर वापस दो। कौन सा जेवर? अरे आखिर तुम लोग लेने क्या आए हो यहाँ? शफक अंदर गई हुई है ना, आपको सब पता चल जाएगा। मुझे क्या पता चलेगा, मैं पता करके आती हूँ। कहाँ रखूं इसे जो उन लोगों को नजर ना आए? अरे नहीं यहाँ तो पता चल जाएगा, क्या करूं? हाँ नमान अभी तुम घर पे नहीं आना। अरे वो सारा की बहन आई हुई है, जब मैं फोन करूंगी ना तब वापस आना। ठीक है ओके। जो तुम पार्लर जाने के बहाने लेकर गई थी वो जेवर? मेरे पास कोई जेवर नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा सारा, कहाँ गया जेवर? जहां भी है लेकिन मेरे पास नहीं है। झूठ मत बोलो सर। जहां भी है मुझे नहीं मालूम। ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूं। तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं है मुझे। अम्मी को लड़के वाले परेशान कर रहे हैं, जेवर वापस दो। अम्मी उनको खुद बुखत लेंगी, आपको उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक खुद कर्ज माँ है। हमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सारा? माँ है वो हमारी। यही बात आप मुझे अपने दिल पर हाथ रख कर कहे, क्या मैं गलत कह रही हूँ? सारा अम्मी ने आज तक जो कुछ किया है वो गुर्बत के हाथों मजबूर होकर किया है। इस गलत फहमी को आप निकाल दें जैसे मैंने अपने अंदर से निकाल दी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे सारा।